इंदौर की चोइथराम सब्जी मंडी में गुरुवार को नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानें हटाई। भारी पुलिस बल के साय में निगम के बुलडोजर ने अवैध निर्माण तोड़े। जर्जर भवनों के साथ ही इंदौर नगर निगम शहर में अतिक्रमण मुहिम चला रही है, जिसमें निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को निगम के बुलडोजर ने इंदौर की बड़ी सब्जी मंडी यानी कि देवी अहिल्याबाई होलकर सब्जी मंडी में बनी कई अवैध दुकानों व निर्माणों पर कार्रवाई की। इस दौरान कई व्यापारियों ने जहां स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया, वहीं दूसरी ओर कई दुकानदारों ने निगम की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। जानकारी के मुताबिक अन्नपूर्णा, राजेंद्र नगर, द्वारकापुरी व रावजी बाजार पुलिस थाने से निगम ने इस मुहिम के लिए बल बुलवाया। अतिक्रमण तोड़ने की मुहिम के दौरान एक नंबर गेट पर बनी ओम प्रकाश भेरूलाल पारडीवाला के अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान लोगों ने हंगामा कर एक माह तक मंडी बंद रखने की बात कही। मंडी पंगल में मंडी सब्जी में मंडी ने यहाँ पर धंधा करने की जगह दी है। वो मंडी पंगल में सब लोग धंधा कर रहे हैं, कहीं अतिक्रमण तो कहीं नहीं है। सिर्फ क्या है कि रोड की समस्या है, जो आप सारे व्यापारियों को समझा देंगे उसको दूर कर देंगे। अतिक्रमण तो कहीं नहीं है, सब्जी किसानों को उतरती है, माल उतरता है, माल बेचते हैं। ये मंडी पंगल सब्जी के लिए अलर्ट किया है, क्या सब्जी नहीं बिकेगी तो क्या बिकेगा? आप बताएं कि सब्जी बेचने के लिए मंडी आवंटित की है और यहाँ के लोग सभी मंडी है और अतिक्रमण कहीं पे भी नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ किसी ने पेटी वेटी रख दी है तो प्रशासन ने बोल दिया है कि उसको हटा दो, तो सारी सभी व्यापारी लोग उसको हटाने के लिए तैयार हो।